जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी दल एक दूसरे को चुनावी मैदान में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर ने जवाब दिया है। दरअसल मंडी विश्वविद्यालय को बंद करने और उसके साथ एफिलिएटेड कॉलेजों का जिक्र कर भाजपा इन दिनों कांग्रेस पर हमलावर है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि पूर्व जयराम ठाकुर ने स्कूल और कॉलेज की तरह बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना कोर्स मंडी में यूनिवर्सिटी खोलकर जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जो खुलता है उसके कोई नियम कानून होते हैं। आपने ठीक है कि चुनावों से 6 महीने पहले जयराम ठाकुर जी ने सरदार पटेल मंडी यूनिवर्सिटी खोली, और खोली कहाँ? कॉलेज में, और उसके साथ कॉलेज को एफिलिएट कर दिया। जिस तरह स्कूल खोले ना, उसमें टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, उसी तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोल दी। अब यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों के पेपर होने हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप मुझे यूनिवर्सिटी का कोई ढांचा तो बता दीजिए, कहाँ उनकी बिल्डिंग बनी है? मंडी यूनिवर्सिटी से मंडी के कॉलेज को उन्हीं में एफिलिएट किया गया है, और जो कॉलेज हमने वहाँ से निकाले हैं कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर कैसे होने चाहिए, उस दृष्टिकोण से किया है। कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं कर रहे हम पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के बाद हम जो पाएंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज शुरू किए जाते हैं वो डिसाइड करेंगे। कॉलेज ही है वो, यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी उसको नाम दे दिया क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव में फायदा उठाना चाहते थे। बता दें कि एक बार फिर अपने तमाम आला अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने ताजा हालात और आपदा राहत कार्यों का फीडबैक लिया। उन्होंने राज्य में आपदा राहत राशि में मिलने वाले सहयोग के लिए सभी दानी सज्जनों का आभार जताया, साथ ही प्रभावित परिवारों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार हर संभव मदद इन परिवारों की करेगी। ये सोमवार को सभी सेक्रेटरीज के साथ बैठक होती है, डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है, और डिपार्टमेंट के रिव्यू के बाद ये फैसला किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक आपदा की बात है, मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने जन्मदिन में आकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान हमें आपदा राहत कोष में मिल रहा है, और आपदा राहत कोष में जो विपदा आई है उसमें आपदा राहत कोष में लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान कर रहे हैं। मैं सभी जो प्रभावित परिवार है आपदा से, उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में जो भी होगा वो आपदा के प्रभावित परिवारों को सही आकलन करके उनको जो भी उचित समय पर मुआवजा देने की बात होगी उसका भी हम स्टडी करेंगे। गौरतलब है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे जुबानी जंग और तेज होती जाएगी। हालांकि देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में जनता के बीच कौन कितना खरा उतर पाता है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।